हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MM विद्यापीठ में। हम लोग आज क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसका पहले कुछ हम लोग बेसिक समझते हैं, 9th से रिलेटेड है, 9th में हम लोग पढ़ी थी। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है हम लोग देखेंगे। जो खड़ा रेखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर। और जो पड़ा रेखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। और जो पड़ा रेखा होता है क्षैतिज इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, और ये दोनों बीच, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, 90 डिग्री का होता है। ये कौन हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और ये हुआ एक्स अक्ष, ये हुआ वाई अक्ष, और ये पूरे को बोलते हैं हम लोग एक्स वाई तल या एक्स वाई प्लेन या कार्तिकीय तल। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एक्स वाई तल। ठीक है, किसी बिंदु का अगर मान लीजिए निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं तब चलेंगे आगे। एक्स कॉमा वाई, तो जो शुरू में हमारा एक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं भुज। जो शुरू में एक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। ठीक है, और जो ये वाई है इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। वाई को बोलते हैं हम लोग कोटि, और दोनों को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। एक साथ मिला के बोलते हैं लोग निर्देशांक। ठीक है, भुज को हम लोग एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। भुज को क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। और कोटि को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक। भुज को बोलते हैं एक्स निर्देशांक और कोटि को बोलते हैं हम लोग वाई निर्देशांक, और दोनों को एक साथ मिला के कहते हैं हम लोग निर्देशांक। जब भी बिंदु का निर्देशांक दिया रहे, जैसे 3.5 दिया है, ठीक है, तो शुरू वाला ही एक्स होगा और बाद वाला वाई होगा, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। अब देखिए, ये एक्स अक्ष और ये जो बिंदु है इसके बीच का जो ये दूरी है, यही तो वाई में गए हैं, तो ये हमारा कहलाएगा भुज। ये क्या कहलाएगा, भुज। और भुज क्या हुआ हमारा, बिंदु तथा एक्स अक्ष के बीच की दूरी कहलाता है। ये कोटि हुआ, भुज नहीं, ये क्या कहलाएगा हमारा, कोटि। ये हमारा कहलाएगा कोटि। कोटि होता है वाई निर्देशांक, और यही तो है वाई निर्देशांक, वाई में कितना चले, वाई निर्देशांक, तो कोटि। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष तथा बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु तथा एक्स अक्ष के बीच की दूरी। क्लियर है, ये कहलाता है हमारा कोटि। और ये वाई अक्ष से जो बिंदु का दूरी, यही तो एक्स में गए, एक्स में जितना चलते हैं उसी को बोलते हैं एक्स निर्देशांक। तो एक्स में हम लोग इतना सा चले, तो ये कहाँ से निकलेगा, बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी, ये हमारा कहलाता है कोटि। ये भुज, ये क्या कहलाएगा हमारा, बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच का दूरी, ये कहलाएगा भुज, क्योंकि एक्स अक्ष में चले हैं, तो ये हमारा कहला गया भुज। और भुज कहते किसको हैं, बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी, ये किसको कहेंगे, बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी। बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुज। बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी जो है, यही तो भुज है, क्योंकि एक्स में चले, और बिंदु तथा एक्स अक्ष के बीच का दूरी, यही हमारा वाई है, ये हमारा कोटि कहलाएगा। ठीक है, अब और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करता है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
मूल बिंदु ओरिजिन, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु के लिए अगर हमको निर्देशांक पूछे तो एक्स में कितना गए, कुछ भी नहीं, यहीं से हम लोग नापना शुरू करते हैं, कोई भी दूरी जो होता है यहीं से हम लोग नापना शुरू करते हैं। तो एक्स में कितना गए, कुछ भी नहीं, वाई में क्या गए, कुछ भी नहीं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है हमारा 0.0, मतलब भुज भी 0 और कोटि भी 0। ये हो गया हमारा मोटा मोटी रिवीजन निर्देशांक ज्यामिति का। अभी हम लोग 10th क्लास इन नहीं किए हैं, इसके बाद हम लोग 10th क्लास इन करेंगे। थोड़ा सा और देखते हैं एक दो चीज हम लोग जिसको पढ़ चुके हैं हम लोग 9th में। इसको हम लोग बोलते हैं ये वाई अक्ष है और यह हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। तो ये क्या किया, 1, 2, 3, 4 भाग में बांट दिया, इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। ये वाला कहलाता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाता है हमारा तृतीय चतुर्थांश और ये कहलाता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए अगर कोई बिंदु हमारा यहाँ पर है, कोई बिंदु अगर यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मूल बिंदु से चलना शुरू करता है, पहले एक्स जाता है तो इधर जाके ऊपर जाएगा, यानी उधर गया तो प्लस, एक्स में उधर जाते हैं तो प्लस और इधर गया तो भी प्लस, यानी इसके लिए भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस। अगर कोई बिंदु हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका जो साइन कन्वेंशन होगा, चिन्ह परिपाटी क्या होगा, पहले एक्स में चलना है तो इस बिंदु के पास जाने के लिए इधर आएंगे कुछ, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, तो इधर गए तो ये गए नेगेटिव और ऊपर गए तो गए पॉजिटिव, यानी पहले एक्स तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ये निर्देशांक हो जाएगा हमारा किसका, द्वितीय चतुर्थांश वाले का। तृतीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है तो ये कैसे आएंगे, पहले इधर और फिर नीचे, तो इस बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, इधर गए तो नेगेटिव और इधर नीचे आए तो नेगेटिव, तो इसका निर्देशांक हो गया हमारा नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, ठीक है। अगर कोई बिंदु हमारा है चतुर्थ चतुर्थांश में तो कैसे जाएंगे, पहले हमारा आगे चलना होगा एक्स अक्ष में प्लस की तरफ और नीचे आना होगा माइनस की तरफ, यानी ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया माइनस, और पहले एक्स लेते हैं तब वाई लेते हैं ना, तो एक्स किधर चले हैं प्लस में, ये हो गया प्लस कॉमा वाई गए माइनस, ये हो गया माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। और यदि कोई बिंदु ना फर्स्ट में है ना सेकंड में, डायरेक्ट इसी एक्स अक्ष पर कहीं है, कहीं ना कहीं हमारा वो एक्स अक्ष पर कहीं भी हो सकता है, तो एक्स अक्ष पर यहाँ वाई का मान कितना, 0, यहाँ भी एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, क्योंकि पूरे एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो पूरे एक्स अक्ष पर क्या होगा, वाई का मान 0। तो इसका कोई भी बिंदु जो एक्स अक्ष पर होगा उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, एक्स कॉमा 0, किस पर, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है। और ये वाई अक्ष है तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, वाई अक्ष में कहीं भी एक्स नहीं चलना है, खाली वाई में ऊपर नीचे जाना है करना है, लेकिन एक्स नहीं चलना है, तो एक्स वाला 0 होगा, यानी ये इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, लेकिन वाई में तो कहीं जा सकते हैं ना, 0, y, y प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये किसका निर्देशांक होगा, y अक्ष पर स्थित बिंदु का, y अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है। एक लास्ट चीज और इसमें देखते हैं हम लोग, तब चलेंगे 10th का थ्योरी देखेंगे हम लोग। यह समझिए हमारा हो गया y अक्ष और ये हो गया हमारा x अक्ष और यह हो गया हमारा मूल बिंदु जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, कोई रेखा यदि x अक्ष के समांतर हो, कोई रेखा यदि कहाँ हो, x अक्ष के समांतर हो, तो x अक्ष के जो समांतर रेखा होगा वो किस यहां पर होगा, होगा x अक्ष के समांतर है ये रेखा, और यदि ये रेखा हमारा x अक्ष के समांतर है
तो यहाँ वाई का मान अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी वाई का मान 5 होगा, और यहाँ भी वाई का मान 5 होगा, और यहाँ भी वाई का मान 5 होगा, हर जगह फिक्स होगा। और एक्स का मान तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक्स हमको इधर उधर जाना नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जब एक्स बराबर कोई फिक्स चीज हो, एक्स समांतर, एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा हो, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, वाई बराबर कोई भी फिक्स चीज, y बराबर 6, 7, इसी तरह हम y बराबर b लिख दिए, यानी कि b कोई फिक्स चीज है, तो y बराबर अगर फिक्स है तो ये किसके समांतर होगा, x के समांतर होगा, क्योंकि यहाँ से अगर तुम y बराबर 5 ले लेते हैं, y बराबर क्या ले ली, 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो y इसका रेखा का समीकरण क्या कहलाएगा, y बराबर 5, सब जगह 5 5 है। x का मान तुम कुछ भी लेगा तो y का मान हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अब इसको देखते हैं, अगर कोई रेखा वाई एक्स के समांतर है इस तरह से, यह रेखा हमारा किसके समांतर है, y अक्ष के, जब y अक्ष के समांतर है तो ये हमारा x में कुछ दूरी तय करेगा, ये वाला दूरी कितना था हमारा, बोले b था, और जब हमारा x अक्ष के समांतर है तो फिक्स क्या हुआ, ये y अक्ष, x अक्ष के समांतर था तो फिक्स हुआ था y, b था। अब y अक्ष के समांतर है तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा वही दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का हर जगह वो दूरी हमारा फिक्स होगा, इस दूरी को मान लेते हैं हम लोग a। तो यदि कोई भी रेखा समांतर हो y अक्ष के, इसका समीकरण क्या लिखा जाएगा, इसका समीकरण लिखा जाएगा x बराबर कोई भी फिक्स चीज, मतलब जैसे a, वहां y बराबर फिक्स है तो x के समांतर, और x बराबर फिक्स है तो y के समांतर। ये हमारा लगभग थोड़ा सा परिचय था क्लास 9th का। अब हम लोग चलेंगे क्लास 10th का, जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि कैसे होगा। इससे भी हमारा बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, यहाँ से उठा के उसको 9th वाला पार्ट पे वो कवर करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखेंगे अधिकांश ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। बिहार बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, अपना जो 10th का चैप्टर स्टार्ट होगा हम लोग वहाँ का थ्योरी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे फर्स्ट है हमारा इसमें दूरी सूत्र, सबसे पहला है हमारा इसमें दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, हम लोग इसका चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चलिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका उसी से सॉल्व होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। और आप लोग थ्योरी वाला वीडियो को कम से कम 2-3 बार करके जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से हमारा आएगा। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी का भुज पॉजिटिव है तो वह बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, किसी का हम क्या बोले, भुज पॉजिटिव है, भुज अगर किसी का प्लस दिया हुआ है तो वह बिंदु कहाँ स्थित होगा, कौन सा चतुर्थांश में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुज बोले थे प्लस, तो भुज यानी शुरू वाला प्लस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस है, यहाँ यहाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 4, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो आपका यहीं से उठेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। चलिए देखते हैं हमारा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या होता है हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा। दूरी सूत्र या इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये हमारा होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे, उसी के लिए ये फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। दूरी सूत्र होता कहाँ से है, क्या होता है और कैसे बनेगा, उसको हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। इसमें दो पार्ट होगा, एक होगा मूल बिंदु से दूरी और दूसरा होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। पहले हम लोग देखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, और एक सेकेंड होगा इसका पार्ट मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो पहले निकालते हैं हम लोग, फिर मूल बिंदु से बीच का दूरी कैसे मूल बिंदु से बिंदु का दूरी कैसे निकलेगा उसको देखेंगे। मान लीजिए ये हो गया हमारा
वाई अक्ष। और ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। एक बिंदु कोई हमारा यहाँ पे स्थित है और दूसरा बिंदु हमारा कोई यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये दोनों के बीच का हमको क्या चाहिए, दूरी निकालना है। ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है कि दूरी हम लोग कैसे निकाल पाएंगे दोनों बीच की दूरी। तो देखिए, ये दोनों के जो बीच का दूरी होगा वो तो ये वाला डिस्टेंस होगा, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है एकदम सरल रेखा होगा वही इस दोनों बिंदु का बीच का दूरी। लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे इसको? अब यदि ये बिंदु है तो इसका निर्देशांक हमको कुछ दिया हुआ होगा। जैसे इसका निर्देशांक मान लेते हैं बिंदु वन है तो ये एक्स वन और वाई वन दे दिया है, इसका निर्देशांक हमको एक्स टू और वाई टू दे दिया। इसको ध्यान से समझिए, एक्स टू और वाई टू और ये एक्स वन और वाई वन दे दिया है। अब देखिए, तो ये अगर एक्स वन और वाई वन दिया है तो ये वाला जो दूरी होगा हमारा, इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, y1। ये दूरी हमारा y1 होगा क्योंकि ये y अक्ष में गया, इस बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 है तो y1, y1 क्या होता है, कोटि। कोटि x अक्ष तथा बिंदु के बीच की दूरी y1, और ये हमारा हो जाएगा x1। क्यों? बिंदु तथा y अक्ष के बीच की दूरी को कहते हैं भुज, और वही है x1। अब इसके लिए अगर उसी तरह से देखें तो यह हमारा क्या हो जाएगा, y2 होगा। इसको अगर देखेंगे तो ये हमारा हो गया y2, क्योंकि ये इसका कोटि है y2, और कोटि किसको कहते हैं, बिंदु तथा x अक्ष के बीच की दूरी को कहते हैं कोटि। ये हो गया हमारा y2, और ये यहाँ से लेकर के पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाएगा, x2। ये पूरा दूरी हमारा क्या कहलाएगा, x2 कहलाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्या कहलाएगा, x2। x2 क्यों कहलाएगा, ये वाला दूरी x2 कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, बिंदु तथा y अक्ष के बीच की दूरी जो होता है यही होता है भुज, और इसका भुज क्या है, x2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है हमारे पास क्या, x2। इसको मिटा देते हैं, वहीं लिख देते हैं नीचे ही x2। यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2, ऊपर लिखें दूरी, यहाँ लिखें, दोनों तो दूरी एक ही है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है x1। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या दिया हुआ है मेरे पास, x1 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक का दूरी हमको मिला हुआ है x1। तो इतना सा दूरी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ तक x2 और इतना सा दूरी है x1, ये वाला, तो ये वाला दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1। अब इसको ध्यान से देखिए, ये पूरा है हमारा y2 और इतना सा है y1, यहाँ से यहाँ तक है y2 और इतना सा है हमारा y1। तो जो ये वाला दूरी होगा, इस दूरी का मान इतना होगा, देखिए तो y2 माइनस y1 होगा ये वाला दूरी, ये x2 माइनस x1 ये वाला दूरी, और ये वाला y2 माइनस y1, कोई दिक्कत? और ये तो 90 डिग्री होगा ही क्योंकि इस पर लंबवत है। अब देखिए, यह एक आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ए इसको बी मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम लोग सी, और ए बी ही आपको निकालना है, ए बी ही निकालना है। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान तो हमको निकालना है, नहीं पता, तो ए बी का स्क्वायर और ए सी का मान कितना दिया हुआ है अभी हम लोग निकालें, क्योंकि ये पूरा था y2 और इतना सा y1, तो ये शेष बचेगा हमारा y2 माइनस y1। तो ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस bc का मान कितना निकला, bc का मान यहाँ से यहाँ तक x2 और इतना सा x1, तो ये क्या निकलेगा, x2 माइनस x1। ध्यान से देखिएगा फिगर को, इसमें x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 हो गया का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, हमको तो सिर्फ ए भी चाहिए ना, तो ए भी बराबर क्या हो गया, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा है, दो बिंदुओं का यदि निर्देशांक दिया हुआ हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हमारा यही कहलाता है दूरी सूत्र। ध्यान से देखिए, फिर से हम लिखते हैं, अब यहाँ पे दूरी सूत्र क्या है, एक बिंदु ए है यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पर है हमारा कोई भी बी, ठीक है। ये दोनों के बीच का हमको दूरी निकालना है, इसका निर्देशांक मान लीजिए हमको दिया है x1 y1, ये तो हम आपको प्रूफ दिखाइए, अब यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला, ये शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं हम, x2
वाई टू। तो ये जो दूरी सूत्र होता है ए बी के लिए, ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र हो जाएगा। दूरी सूत्र से अगर निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या निकल जाएगा हमारे पास, रूट अंडर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसी को कहते हैं हम लोग दूरी सूत्र। और ये दो बिंदुओं के बीच की हमारा क्या निकाल सकते हैं, इसके माध्यम से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। और यदि अब हमको बोला जाए कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए, कहाँ से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से, तो चलिए मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। यह हमारा हो गया वाई अक्ष और ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। यह हो गया वाई अक्ष और ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, और कोई बिंदु यहां पर है और इसका मूल बिंदु से दूरी निकालना है। इस बार दो बिंदु नहीं है, एक बिंदु मूल बिंदु बन गया और एक बिंदु हमारा कोई भी बिंदु दिया हुआ है। मान लीजिए ये यहाँ पे शुरू वाला बिंदु को ओ मान लेते हैं ओरिजिन, और ये इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम लोग पी, और बोला अब मूल बिंदु का दूरी निकालिए और इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई। तो ध्यान से देखिए, बिंदु तथा वाई अक्ष के एक्स अक्ष के बीच का जो दूरी होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। बिंदु तथा एक्स अक्ष के बीच की दूरी को कहते हैं कोटि। और कोटि तो कोटि बाद वाला होता है ना, शुरू वाला, बाद वाला, क्योंकि शुरू वाला को भुज कहते हैं, तो ये वाला मान क्या हो गया वाई। ठीक, अब देखिए बिंदु तथा एक्स वाई अक्ष के बीच का जो दूरी होता है ये क्या कहलाता है, बिंदु तथा वाई अक्ष के बीच का जो दूरी होता है ये हमारा कहलाता है भुज। तो ये भुज हमारा क्या हो जाएगा, शुरू वाला यानी एक्स। तो ऊपर एक्स है तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स नहीं होगा क्या, ये भी तो एक्स होगा। और दूरी क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ पी। दूरी क्या हो जाएगा, ओ पी, ये है बन गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम अगर कुछ दे दें हम, मान लीजिए बी, तो हमको निकालना क्या है ओ पी। तो ओ पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा इस त्रिभुज के लिए, ओ पी का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ पी तो हमको निकालना है, ओ पी का स्क्वायर बराबर पी बी का मान कितना है, वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ओ पी बराबर हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हट, इधर स्क्वायर जाएगा तो रूट बनेगा, तो ये हमको जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो पहले पीछे आगे कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा मूल बिंदु का। मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु का दूरी निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। वैसे अगर ध्यान से देखें तो यही फार्मूला को हम लोग बना सकते हैं, दूरी सूत्र को मूल बिंदु से कैसे बनाएंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इस फार्मूला को। दो बिंदु में से एक बिंदु हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु, तो इसको मान लेते हैं हम लोग जीरो कोमा जीरो, मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो कोमा जीरो। और यहाँ पर एक बिंदु कोई है, इसको मान लेते हैं हम लोग ए, और मूल बिंदु से बिंदु का दूरी निकालना है। ठीक, इसका निर्देशांक है हमारे पास दिया हुआ क्या, इसका निर्देशांक कुछ दिया हुआ होगा एक्स कोमा वाई। मान लीजिए यहाँ हम लोग एक्स वन वाई वन इसलिए लिखे रहे, एक्स टू वाई टू, क्योंकि यहाँ दो दो बिंदु था, यहाँ एक ही बिंदु था, तो वन टू करने का हमको जरूरत नहीं पड़ा। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से अगर हम लिखें तो इसका नाम अगर ओ से सूचित कर दें तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा दूरी सूत्र से, रूट अंडर देखिए वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। तो ओ ए बराबर रूट अंडर वाई टू की जगह क्या मान लेते हैं, उसको अगर हम लोग टू मान लेते हैं तो इसको वन मानेंगे, तो वाई टू की जगह क्या है वाई माइनस वाई वन की जगह जीरो का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू, एक्स टू क्या हो गया हमारा एक्स, और माइनस एक्स वन क्या हो गया जीरो, तो का फिर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, तो यानी ओ ए बराबर क्या निकल गया मेरे पास, ओ ए बराबर निकल गया वाई का स्क्वायर प्लस एक्स में जीरो गया तो एक्स का स्क्वायर के ऊपर रूट। तो ये हमारा मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालने में यूज हो सकता है। देखिए इससे भी हम लोग एक बिंदु को मूल बिंदु बना के कर दिए, और या तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को निकाल दिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या हमको क्या इसमें दिया हुआ है, एक्स वन का वैल्यू जीरो दिया है, वाई वन का भी वैल्यू जीरो दिया है, एक्स टू का वैल्यू यहाँ एक्स है, और वाई टू का वैल्यू यहाँ पर वाई है, इस केस के लिए। ठीक है, अब दूरी सूत्र पर आधारित है हमारा चैप्टर 7.1, इसका हम कुछ एग्जांपल करते हैं।
कि कैसे ये बनेगा, इसका यूज कैसे करना है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच का अगर दूरी निकालना है ए और बी के बीच का, तो अगर इसका निर्देशांक x1 y1, ये x2 y2, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट। और यदि मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो डायरेक्ट देखिए क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर के ऊपर रूट। इसको बढ़िया से देख लीजिए, ये आपका मूल बिंदु से दूरी का प्रूफ है और ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रूफ है। कैसे निकलेगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल कैसे निकाल पाएंगे। इसके पहले इसमें एक वर्ड और यूज होगा, समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं तब आगे चलेंगे। समदूरस्थ क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ, समदूरस्थ क्या होता है, जैसे सम का मतलब क्या होता है, देखिए सम का मतलब बराबर और दूर का मतलब तो समझ रहे हैं दूरी, और दूरस्थ जो एक साथ लिखा है तो इसका मतलब है दूरी पर स्थित, दूरी पर स्थित यानी बराबर दूरी पर जो स्थित होता है उसी को कहते हैं हम लोग समदूरस्थ। जैसे एक बिंदु यहाँ पे है हमारा, इसका नाम मान लीजिए है पी, और यहाँ एक बिंदु है ये है ए, और एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर एक बिंदु है ये बी, और कह दिया कि पी जो है ए बी से समदूरस्थ है। क्या कह दिया, पी पी ए तथा बी से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब क्या समझना है हमको, कि P जो है A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित है, मतलब जितना लंबाई AP का होगा उतना ही लंबाई PB का होगा। कोई दिक्कत है, चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल करते हैं इसके आधार पर दूरी ज्ञात करें। पहला बिंदु दिया है हमको 2.3 तथा 4.1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहला हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये बिंदु का नाम दे दिए कुछ ए, इस बिंदु का नाम दे दिए कुछ बी, और ए का निर्देशांक हम मान लिख दिए 2.3 और इसका निर्देशांक लिख दिए 4.1। अब लिख दिए नीचे x1 बराबर 2 तो y1 बराबर 3। अगर इसको आप x1 मानते हैं तो y1 यहाँ नहीं होगा, आप जिसको x1 मानेंगे उसी के बाद वाला जो होगा y1 कहलाएगा। अभी नहीं कि x1 2 ले लिए और y1 1 ले लिए, ऐसा नहीं करिएगा। x1 2 तो y1 3, आप चाहें तो x1 4 और y1 एक लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिसको आप वन रखेंगे दोनों वाला वन रखेंगे, जिसको दो रखेंगे उसको दोनों दो रखेंगे, x और y। अब चलिए तो x2 क्या हो जाएगा 4, तो y2 क्या निकल गया हमारे पास 1, ठीक है। अब हमको बोला दूरी निकालना है, तो AB का दूरी कैसे निकल जाएगा, तो AB का दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको पहले लिखिए और इसको बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जोड़ कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। तो ए बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर एक्स टू कौन है 4 माइनस एक्स वन क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है 1 माइनस वाई वन क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में 2 ज्ञात क्या बचेगा 2 का होल स्क्वायर, और एक में 3 ज्ञात क्या बचा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो गया रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस इस माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4, तो ए बी बराबर हो गया हमारे पास रूट अंडर 8। तो रूट अंडर 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 रूट, रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 गुना 2 तीन बार, तो तीन बार अगर लिख दिए तो 2 गो में से 2 एगो 2 बाहर हो जाएगा, तो क्या बचा रूट अंडर 2। उसके बाद इधर क्या लिख देना है इकाई, क्योंकि ये जो भी आएगा इतना सेंटीमीटर मीटर जो भी आएगा इतना क्या लिखेंगे इकाई। को
कोई दिक्कत है? तो ये हो गया हमारा दूरी सूत्र, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन रहे जिसमें हमको ये था, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए एग्जाम्पल एक था ये, अगर हमको कह दे इसमें कि दूरी सूत्र मूल बिंदु से दूरी निकालना, जैसे मतलब 3.4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसको मान लेते हैं कोई भी बिंदु यहाँ पर है, तो मूल बिंदु से दूरी का x, x बराबर 3 और y बराबर 4, क्योंकि शुरू वाला x होता है, बाद वाला y होता है। अब इसका हमको निकालना है दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? एक्स का वैल्यू हमको पता, वाई का वैल्यू पता, मान खाली रखती है। ये दूरी कहाँ से है, मूल बिंदु से, ध्यान रखिएगा मूल बिंदु से हम दूरी का बात कर रहे हैं, तो दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो दूरी बराबर हो जाएगा 3 × 9 प्लस 4 × 16 के ऊपर रूट, तो यहाँ से मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25, तो यहाँ मूल बिंदु से दूरी बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 इकाई। कोई दिक्कत है? चलिए एक आगे एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जाम्पल 3, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करिए ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदु 7.1 तथा 3.5 से क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ कौन है, ध्यान से समझिए, एक्स कॉमा वाई किस किस बिंदु से, तो 7.1 और 3.5 से। तो चलिए हम पहले लिखते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपने मन से, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए पी, और ये लिख दिए एक्स कॉमा वाई। तो पी हमारा ए और बी दोनों से समदूरस्थ है, तो ए का नाम दे देते हैं 7.1 और बी का मान क्या है 3.5। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, तो बोल रहा है एक्स कॉमा वाई 7.1 तथा 3.5 से समदूरस्थ है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे उसको देखिए ध्यान से। हम लोग कह सकते हैं अगर समदूरस्थ है बिंदु पी ए तथा बी से समदूरस्थ हैं, अतः ए पी जो होगा बराबर होगा किसके, बी पी के। तो देखिए उसमें अभी जो दूरी सूत्र में हम लोग रूट का प्रयोग करेंगे, तो पहले ही इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो भी तो ये दोनों बराबर होगा। तो चलिए ए पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट अंडर होता था x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो इसमें रूट अंडर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर हम लोग पहले कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। इधर वाला क्या हो जाएगा फिर से, ये भी तो दूरी सूत्र है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ए पी के केस में देखिए, ए पी के केस में देखिए, अगर इसको आप x1 लिखते हैं 7, x को 2 मानते हैं, मान लीजिए तो x2 कितना हो गया 7, तो x1 क्या मानेंगे x का होल स्क्वायर प्लस, इसको x2 माने थे इसलिए y2 भी 1 को मानना होगा, तो y2 1 - y1 y हो जाएगा इस बार का होल स्क्वायर बराबर। अब x2 किसको मानिएगा, पी बी के केस में x2 इसको मान लीजिए, x2 अगर मान लिए 3 को, तो x किसको मानना होगा इसके लिए x1 x को प्लस, अगर y 3 को माने x2 तो y2 मानना होगा 5 को, तो 5 - y1 कौन हो जाएगा y का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग इधर आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b² तो लिखेंगे यहाँ, ये क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7 = 49 - 2ab तो 7 × 2 = 14x प्लस b² तो x², फिर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर है, तो
एक्स स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो टू वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर बराबर तीन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा तीन तिया नौ माइनस तीन दूनी छः एक्स, यहाँ पे होल स्क्वायर है ये, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस पाँच माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो पच है पच्चीस माइनस पाँच दूना दस वाई, और प्लस यहाँ इसके बाद वाला बात यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इधर एक्स स्क्वायर बराबर के उधर एक्स स्क्वायर कटेगा, इधर वाई स्क्वायर बराबर के उधर वाई स्क्वायर कटेगा, तो क्या बच गया इधर उनचास और एक पचास माइनस चौदह एक्स माइनस दो वाई, इधर हो गया पच्चीस और नौ चौंतीस माइनस छः एक्स माइनस दस वाई। एक्स वाई का संबंध निकालना था तो एक्स वाई को एक साथ ले आइए, तो इधर हो जाएगा माइनस चौदह एक्स और उसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा ये प्लस छः एक्स, ये है माइनस टू वाई, उसको उधर से लाइएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस दस वाई बराबर, वो पहले से था चौंतीस और ये वाला उधर गया तो गया माइनस पचास। अब देखिए प्लस माइनस घटेगा, चौदह में चौकी आठ बड़ा था चौदह, चौदह के सामने माइनस तो गया माइनस आठ एक्स और प्लस आठ वाई हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे प्लस माइनस तो घटेगा लेकिन बड़ा था दस, दस के सामने प्लस तो प्लस, चौंतीस में पचास जाएगा यानी पचास में चौंतीस जाएगा तो सोलह लेकिन यहाँ पे माइनस, अब माइनस आठ ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो क्या बच गया अंदर में एक्स माइनस वाई बराबर माइनस सोलह, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो गया माइनस सोलह बटे माइनस आठ यानी दो बार में, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या निकल गया दो, ठीक है। तो एक्स वाई में संबंध निकालने बोला था ये निकल गया। अब नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.5, 2.3 और -2, -11 संरेखीय है। संरेखीय का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, संरेखीय क्या होता है, संरेखी ये वर्ड का मतलब क्या होता है, कोलिनियर इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होता है, कोलिनियर किसको कहते हैं हम लोग पढ़े होंगे पहले भी, यदि तीन बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो इस तीनों बिंदु को कहते हैं हम लोग संरेखीय बिंदु, ठीक है। तीनों बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, संरेखीय बिंदु, यदि तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो कहते हैं संरेखीय, और यदि तीनों सरल रेखा पर स्थित नहीं हो तो उसको हम लोग संरेखीय नहीं कहेंगे। ध्यान देखिए, यदि तीनों सरल रेखा पर स्थित होगा, यदि तीनों सरल रेखा पर स्थित होगा तो हम लोग ए बी और बी सी को अगर जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर हो जाएगा, कब, जब बिंदु ए बी सी तीनों हमारा क्या होगा, संरेखीय होगा, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए बी संरेखीय नहीं है, और यदि संरेखीय नहीं हुआ तो उसका स्थिति कुछ ऐसा होगा, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए सी है, तो बी हल्का सा कहीं ऊपर हो जाएगा, तो ये बिंदु हमारा वास्तव में संरेखीय अब नहीं रहा है क्या। लेकिन हम जांच कैसे करेंगे संरेखीय है कि नहीं, तो ए बी का दूरी निकालेंगे और प्लस बी सी को निकालेंगे, ठीक है, और ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ये क्या ए सी के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है तो वो वाला ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे रहता स्थित तब ना, इस तरह का रहता तो यहाँ से ए से गए बी और बी से गए सी, इसका मतलब जो ए से सी डायरेक्ट गया था बीच में रुके हुए, तो हम ए से बी गए और बी से सी गए दोनों बराबर दूरी तय किए, लेकिन जो ए से सी गया डायरेक्ट अरे वो ए से बी और बी से सी गया, क्या दोनों बराबर दूरी तय किया, नहीं, ए से बी और बी से सी वाला ज़्यादा दूरी तय किया, मतलब बराबर नहीं होगा ए सी की, ठीक है। तो ए बी का दूरी और बी सी का दूरी निकाल लेंगे और जोड़ के दिखा देंगे दोनों को कि ए सी के बराबर हुआ तो संरेखीय, और यदि बराबर नहीं हो पाया इसको कह देंगे हम लोग संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है मतलब असंरेखीय हो गया, कोई दिक्कत है, संरेखीय असंरेखीय समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या है, तीन बिंदु है हमको चेक करना है संरेखीय है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको तो अभी पता है नहीं, हम लोग तीन पॉइंट डिसाइड करते हैं, एक ए दूसरा बी और तीसरा सी, इसका लिख देते हैं 1.5, ये हो गया हमारा 2.3 और इसको लिखते हैं -2, -11। यदि संरेखीय होगा तो ए बी प्लस बी सी का मान ए सी के बराबर होना चाहिए, तो पहले हम लोग ए बी का मान निकालते हैं। चलिए ए बी बराबर दूरी सूत्र से क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ए बी बराबर
एक्स टू का मान कितना दिया हुआ है, अगर ए बी निकाल रहे हैं तो उसको मान लेते हैं टू मानेंगे, तो एक्स टू मान लीजिए हमारे पास क्या है टू माइनस एक्स वन वन, वाई टू थ्री माइनस वाई वन फाइव का होल स्क्वायर। फिर ये तो हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ए बी बराबर क्या आ गया मेरे पास, दो में गया एक का स्क्वायर, तीन में पाँच गया माइनस दो का होल स्क्वायर के ऊपर रूट, तो ए बी बराबर क्या आ गया मेरे पास एक और इधर दो दूना चार के ऊपर रूट, तो ए बी बराबर आ गया हमारे पास रूट अंडर पाँच इकाई। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं किसका दूरी, बी सी का दूरी निकालते हैं, तो बी सी बराबर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो किसी को एक्स टू किसी को एक्स वन मान लीजिए, हम मान लीजिए एक्स इसको मानेंगे एक्स टू वाई टू और ये होगा एक्स वन और वाई वन बी सी के केस में, तो एक्स टू माइनस एक्स वन तो एक्स टू कौन हो गया माइनस टू, माइनस एक्स वन यानी माइनस एक्स वन कौन हो गया टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू क्या हो गया माइनस ग्यारह माइनस वाई वन, तो माइनस वाई वन की जगह तीन का होल स्क्वायर, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा दो और दो दोनों जगह माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस चार का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया माइनस चौक दो का होल स्क्वायर, तो बी सी बराबर हो गया चार चौके सोलह और चौक दो एक सौ छियानवे, तो बी सी बराबर कितना हो गया छः छः बारह दो सौ दो और ये दो सौ बारह के ऊपर रूट, तो इसको हम लोग अगर चार से भाग देंगे तो चार पंचे बीस और चार तिया बारह, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी सी बराबर दो रूट तिरपन इकाई। कोई दिक्कत, ए बी निकाल लिए बी सी निकाल लिए, अब ए सी निकाल लेते हैं, तो ए सी के केस में डायरेक्ट अब ए सी निकलेगा, तो एक टो को इसको टू मान लेंगे तो ये वन हो जाएगा, तो ए सी की जगह एक्स रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस एक्स वन, एक्स वन कौन हो जाएगा वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू कौन हो गया माइनस ग्यारह माइनस वाई वन कौन हो जाएगा पाँच का होल स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या हो गया रूट अंडर माइनस तीन का होल स्क्वायर प्लस माइनस सोलह का होल स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या हो गया रूट अंडर तीन तिया नौ प्लस सोलह सोलह दो सौ छप्पन, तो ए सी बराबर क्या हो गया दो सौ छप्पन और नौ नौ छः पंद्रह पैंसठ दो सौ पैंसठ का रूट, तो दो सौ पैंसठ का रूट हो गया, तो इसको पाँच से भाग देंगे तो पच है पच्चीस और पाँच तिया पंद्रह, पच है पच्चीस और पाँच तिया पंद्रह, तो तिरपन हो गया है पाँच से भाग देंगे तो ये वर्गमूल पूरा पूरा इसका नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो यही रह जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर हम लिखेंगे तो ए बी प्लस ए सी निकालते हैं पहले, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी का मान, ए बी का मान है हमारे पास रूट अंडर पाँच प्लस ए सी का मान, ए सी नहीं ए बी प्लस बी सी ना, ए बी प्लस बी सी निकालना होगा, देखिए ए बी प्लस बी सी, तो ए बी और बी सी, बी सी का मान दो रूट तिरपन, तो ये ऐड नहीं होगा, और इधर है हमारा ए सी, ए सी बराबर कितना है रूट अंडर दो सौ पैंसठ, तो नीचे लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं हुआ ए सी के, अतः यह संरेखीय नहीं है। क्लियर है, आप लोग 7.1 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करिए, ठीक है, अपने से एक बार बनाने का कोशिश करिए, थ्योरेटिकल पार्ट लगभग करा दिए हैं, क्वेश्चन अधिकतर बनेगा, और जो पार्ट नहीं बन पाएगा फिर हम आप लोग के साथ उपस्थित होंगे अगले वीडियो के लेकर के, जिसमें 7.1 का पूरा सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, क्लास टेंथ का 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का पूरा सॉल्यूशन रहेगा, तब तक आप लोग कोशिश करिए अपने से बनाने के लिए, और जो थ्योरेटिकल पार्ट बताया गया उसको ध्यान से समझने का कोशिश करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा वहीं से उठता है, ठीक है, थैंक यू।